घटना है, क्योंकि हमारी अपनी बिरादरी, हमारे अपने राइटर्स, हमारे अपने कलम नवाज को जो नवाजते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि राइटर्स जब एक दूसरे राइटर्स को पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्योंकि जानकार लोग जो लेखनी को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग के क्राफ्ट को जानते हैं, वो ये अवार्ड दे रहे हैं, तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सो इट हैज़ सर्टन काइंड ऑफ वैलिडिटी। सो क्राफ्ट को जानने वाला आदमी दूसरे क्राफ्ट को जानने वाला इंसान को जब नवाजता है तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो आई सिंसियरली विश ऑल द नॉमिनीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ग्रेट वर्क SWA इज डूइंग ग्रेट वर्क। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह उनको ईश्वर शक्ति देते रहे SWA को। थैंक यू वेरी मच। मेरे फेवरेट राइटर मेरे अलावा मुझे विजय आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कितने राइटर्स हैं, मतलब मजरू सुल्तानपुरी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो साहिर साहब अच्छे लगते हैं मुझे, आनंद बख्शी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मुझे अबरार अलवी, विजय आनंद, ये सब राइटर्स ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है। कभी कभी गुलजार साहब भी इम्प्रेस कर देते हैं, करते रहते हैं अभी भी। ब्रजेंद्र गौर ने मुझे इम्प्रेस किया। और साहित्य में प्रेमचंद वगैरह तो है ही, शरद जोशी ने बड़ा बहुत इम्प्रेस किया। शरद जोशी ने फिल्में लिखी, उसने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। और नए राइटरों में मतलब 70s के बाद में जो नई सिनेमा जब बनी उसमें विजय तेंदुलकर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ये सारे राइटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट डायलॉग मेरा वाला या किसी का भी, मेरा वाला तो सबसे फेवरेट डायलॉग मुझे मेरा वही है जो यस बॉस फिल्म में था कि दो कमजोर इंसान एक काम। जब नॉमिनेट हुई थी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए और कहानी और पटकथा के लिए अवार्ड मिला डेब्यू का, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप किसी भी उम्र में डेब्यू कर सकते हैं। ये एक्चुअली सभी के लिए एक मेरे ख्याल से प्रेरणा है कि इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। और ये पटकथा का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया, उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी। सो आई एम जस्ट सो 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 हैप्पी। मुझे ऑफकोर्स SWA की जूरी को बहुत धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले। और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स, इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे सारे कैटेगरीज, टेलीविजन के खास तौर से म्यूज़िक, ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले। सो उनका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती, तो खास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ। तो ये अवार्ड बेसिकली बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी के लिए मुझे मिला हुआ है, मेरा फौजी कॉलिंग, ये शकील साहब, शकील आजमी जी को मिला है, राइट। एंड मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर, और ये उनके पुत्र हैं, राइट, शकील भाई के। तो ये जो अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले ये कुछ बोलें और फिर मैं बोलूँगा, प्लीज़। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस अवार्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका, SAW का और बाकी तमाम मेंबर का, और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सर, थैंक यू। बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म कर दी। बेसिकली शकील भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं इस जो सॉन्ग जो जिसके लिए हमको मिला है उसका टाइटल मतलब सिग्नेचर लाइन है, सपनों का जहाँ है पापा मेरा आसमान है पापा। तो जब मेरा फौजी कॉलिंग मैं लिख रहा था तो मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे अंदर के थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके थ्रू सॉन्ग के लिए। तो शकील भाई को मैंने मेरे पास बुलाया था
और सबसे बात ये थी कि शकील भाई ने ये गाना सिर्फ 2 घंटे में लिखा था। क्या बात है। मैं ऑफिस में ही था और मैं बाकी के हमारे प्रेप चल रहा था, प्री प्रोडक्शन चल रहा था, तो मैंने शकील भाई को बोला कि बाबा, तो शकील भाई ने मुझे एक साइन लाइन दी, मैंने कहा अच्छी है, और फिर उन्होंने अंतरे बनाने शुरू किए। उन्होंने इस गाने लिखने के दौरान उन्होंने 3 चाय पी और 3 चाय लिखने के बाद एक इतना मीठा गाना बना दिया, इतना मीठा गाना है, मुझे लगता है ये ताउम्र बचता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो अभी एक बेटी की तरफ से एक बाप को डेडिकेट हुआ। अभी तक फिल्म आपने जितने गाने सुने वो सब माँ को डेडिकेटेड है, राइट। माँ, इसमें कोई शक नहीं, माँ तो माँ है, उसकी तुलना क्या की जाए, बट फादर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक पिता की अहमियत क्या है, तो इस गाने के ज़रिए आपको पिता की अहमियत का पता चलेगा। और शकील भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में पिता की अहमियत को, उसकी प्यार को, उसके बलिदान को बहुत अच्छे से उतारा है। उस अंतरी कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें एक अंतरी की लाइन है, मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुपके पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहाँ है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा। तो शकील भाई थैंक यू सो मच, एंड ये सॉन्ग, ये अवार्ड एक्चुअली मैं मेरे पापा को डेडिकेट करता हूँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए, तो पापा ये अवार्ड आपके लिए है, एंड थैंक यू शकील भाई, आपने इतना प्यारा गाना लिखा, मालूम नहीं था पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेल, बट ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी, बट आई एम सो हैप्पी, थैंक यू स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, एंड हमारे गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया, थैंक यू सो मच अंजुम रजावली जी, एंड रेस्ट ऑफ द गेस्ट जो है जावेद साहब जिन्होंने अपने हाथों से ये अवार्ड उनको दिया है, तो नो डाउट ये पल मेरी जिंदगी के यादगार पल है, क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म थी और डेब्यू फिल्म में जावेद साहब के जरिए मुझे अवार्ड मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच शकील भाई, क्योंकि उनकी लेखनी की वजह से आज भी करते हम लोग, हाँ स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों है नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है, जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हमने उतना लिखा, कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी शर्ट पर छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था, तो उसके लिए तो मतलब एसडब्ल्यू को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं, तो थैंक्स अ लॉट। सर आप एसडब्ल्यूए कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? लाइक एसडब्ल्यूए कमेटी को यार मतलब को ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है, मतलब लैडर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक होप चाहिए होता है एक राइटर को जो एसडब्ल्यू की वजह से मिलता है, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट एसडब्ल्यू कीप्स डूइंग सो मच वर्क, एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से ब्रेथ भी बड़ी हुई है थोड़ी सी समझ में भी नहीं आ रहा क्या तो भी नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली 2 अवार्ड नहीं सोचे थे, एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट 2 सीरियसली यस सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर, थैंक्स फॉर, थैंक यू सो मच। अमंग सो मेनी ग्रेट शोज इट्स ऑब्वियसली सच अ It's almost like it feels really good to serve you. And yeah, I mean, thank you to SWA for giving us this award and for recognizing this movie is giving us the opportunity to get this award. And also to everyone who gave us the opportunity to write the show at Entertainment and Amazon. And of course, our co-writer who couldn't be here, Nikhil Gonzalez, without any help, like all 3 of us. So yeah. Yeah, it's feeling completely surreal, like, I mean, we were up against some really amazing shows, so it's seriously, can't believe that we won. But it's especially to be picked by such talented writers and other people in the industry, it's really just feels completely unbelievable. Thanks so much to the SWA and everyone who came together to help make this show. आई थिंक इट्स ए ग्रेट फीलिंग फॉर मी, और मुझे लगता है कि फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है, और स्क्रीन राइटर राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर
पैंडमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड. और अंजुम एंड रोविंदा, इन सब की मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. What are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं. एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. What advice would you give to a upcoming budding screenwriter, like a student who is just coming out of college? Start writing. Because you have to keep writing. Writing is more about rewriting. और जो राइटिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप जो मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्टली सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियाँ ढूंढ लेते हैं. पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियाँ दोहराते हैं. तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग. एंड इट्स द मोस्ट ड्यूबियस, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग. राइटिंग इज, राइटिंग मेक्स और ब्रेक्स. यू कैन नेवर मेक बैड फिल्म आउट ऑफ अ गुड स्क्रिप्ट, बट you can definitely make a bad good film. Exhilarated but also in shock. We were up against some pretty good work and we were not expecting this at all. Anyone who would you would like to thank in particular this award giving? Like I said, our producers Smriti and Bobby, Anuja, whose work I now believe that it has been acknowledged that we have remained faithful to the spirit of her book. And that's a really big compliment, because it's in an adaptation, you, that's one more thing to worry about, not betraying the material that you start out with. So thank you to her, thank you Habib, and thank you to our friends and family. It's been a very difficult time writing this show and they have been amazing. Thank you. And more than that, also want to thank the audience for receiving it the way that they did. And honestly, I'm really glad that this we got the award, not just for us, but that, you know, yes, like light-hearted material that is getting made and on the in the OTT space, it's really nice, and it's really nice to be accepted, and not just dramatic works, but like light-hearted material. Anything you'd like to say to the SWA committee? I would honestly thank the SWA for this entire venture. It is, as writers, you're mostly sitting alone in your room and doing the work, and it feels really good to be reminded that even though you're sitting alone, you've not been forgotten. So that's like a really, really good thing that SWA is doing. The SWA has always made space for new writers to tell their stories, and it seems like there has never been a better time to be a screenwriter, and I feel it right now in my bones, and I'm so grateful to be here, and thank you, SWA. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे लगता है पहले बता देना चाहिए, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट के साथ में इट्स सो डिफिकल्ट टू बी ऑन द स्टेज एंड बी एक्सपेक्टेड टू स्पीक समथिंग, बट इट्स एक्साइटिंग, इट्स रियली रियली सैटिस्फाइंग, इफ आई मे यूज़ दैट वर्ड. बड़ी खुशी होती है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जब अप्रिसिएशन मिलता है और अपने लोगों से मिलता है, इट फील्स रियली 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 गुड. आपने जब स्टार्ट किया था लिखना, आपको लगा था कि SWA की तरफ से आपको ये अवार्ड मिलेगा या फिर? एक तो ये शो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लिखने के लिए. इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में बना हुआ है, और सबके लिए स्ट्रगल यही था कि इसको, एक बहुत थिन लाइन है कि ये चीप ना लगे, ये सही कैसे दिखाएं. तो उसके ऊपर में करते 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 काम, आई थिंक वी बीन एबल टू रीच मैनी मैनी पीपल. इवन द वे द शो वॉज रिसीव्ड, इट वॉज रियली अमेजिंग दैट पीपल वर थैंकिंग अस फॉर मेकिंग अ शो लाइक दिस. तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा, और उसकी खुशी बहुत लगती, बहुत बहुत, क्योंकि अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पे कहानी कह देना बहुत आसान होता है, पर वो कहानी और लोगों तक पहुँचे और वो भी उसी तरीके से समझ पाए, दैट्स सैटिस्फाइंग, दैट्स वॉट वी वर्क फॉर. सो इट वॉज रियली थैंक यू सो मच, वेरी वेरी ग्रेटफुल.
मतलब आपने इमेजिन किया था लिखते समय कि आपको SWA से ऐसे रिकॉग्निशन मिलेगी? I can speak for myself. I was confident this was special and this will get recognized. This Rehan is a very very special story. जब लिख रहे होते हैं तब तो ये बहुत दूर की बात होती है, पहले से पहले होता है कि पहले तो बने, और बनने का प्रोसेस एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है, वो सारी केमिस्ट्री, सारे फॉर्मूले एक साथ ठीक बैठें, सबका अच्छे काम हो, फिर स्क्रीन पे जब आप देखते हैं, हाँ जब हमने इसको स्क्रीन पे देखा उसके बाद से भी फिर आई मीन ये कि हाँ बहुत अच्छा शो बना है, ये है, ये नहीं पता था कि इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या क्या होगा, बढ़िया एक अच्छा शो बनाया ये सोच के अपने आप में वो एक अवार्ड। सर व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द SWA कमेटी, कुछ भी? और बहुत ही एक बहुत ही सराहनीय ये कदम है लेखकों के द्वारा, लेखकों के लिए इस तरह का जब ये एक इनिशिएटिव है, और इसमें और कोई मानदंड फिर होगा नहीं वो कि कहीं पे ग्लैमर है या कोई, ये सिर्फ लेखकों के लिए है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अवार्ड है और हमें इसलिए और ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल मैं शरीन की बात से सहमत हूँ कि इकलौता ऐसा अवार्ड है जिसमें लेखन के दम पर जिस तरह से पेपर पे पहले जिस तरह से उतर के आता है, कहाँ कि शो बन के आता है या फिल्म बन के आता है, टीवी सीरियल बन के आता है, वो उसके दम पर चुना जाता है, और नॉमिनेशन के स्तर पर ही सबसे पहले तो वो जो पैमाना होता है वही अपने आप में बहुत खतरा होता है, तो सिर्फ नॉमिनेट होना ही बहुत ख़ास है। और दूसरा ये भी कि इससे मुझे लगता है कि नए लेखकों को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में एक कम्युनिटी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे की सराहना करती है, सेलिब्रेट करती है इस अवार्ड के ज़रिए, तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ हैं एक लेखक के तौर पर। वेल काफ़ी सरियल है, पहली बार तो विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों कैटेगरीज स्टोरी और स्क्रीन प्ले में हमें अवार्ड मिला है, क्योंकि जो नॉमिनेशंस थे जो हमारे साथ थे वो बहुत ही दिग्गज राइटर्स हैं, और उनके साथ नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात थी, और अब अवार्ड जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत नए आए राइटर्स हैं, हम इतने भी पुराने नहीं हैं जितने दिग्गजों के साथ आए, बट वेरी प्राउड ऑफ द शो विच वी आर पार्ट ऑफ, अगले की दुनिया, ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, इनफैक्ट लेगेसी शो है ये, और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं JD मजीतिया सर, आतिश कपाड़िया सर, जयेश पाटिल सर, इन तीनों के बिना ये संभव नहीं हो पाता, ये बहुत ही कमाल की टीम है और हम उसका छोटा सा हिस्सा होना ही बहुत गर्व की बात है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई वाइफ, माई राइटिंग पार्टनर, माई एवरीथिंग, विदाउट हर सपोर्ट, विदाउट नॉट सपोर्ट, इट्स शी इज़ एवरीथिंग बेसिकली फॉर मी, ये इट्स आई एम जस्ट कांट से, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स, सो प्लीज़। आपको भी कैसा लग रहा है सम वर्ड्स दैट यू लाइक टू से? आई डोंट नो व्हाट आई से दैट ही हैज बीन ऑलरेडी सेड बिफोर। आई थिंक फॉर अ राइटर टू बी स्पीचलेस इज वेरी रेयर, एंड आई थिंक दिस अवार्ड इज डन जस्ट दैट, सो या आई थिंक दैट्स दैट, यू नो। एनीथिंग यू लाइक टू से टू द SWA? आई थिंक it's great, you know, SWA as we start off by, as somebody said, you know, we start off by registering our scripts as NSO, and somewhere down the line knowing that writers have our back, writers are acknowledging us, and as I said, we have learned from all these writers, from their work, you know, and they are our mentors and we are getting an award from our mentors, and that's great. आई लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग, सी राइटिंग इज़ अ वेरी लोनली प्रोफेशन, आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, बट SWA जैसी कमेटी जब आपके साथ खड़ी होती है, दे आर रिकग्नाइजिंग योर वर्क, आपको लाइम लाइट में ला रही है, ये एक राइटर के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अभी की बात हो, एक स्क्रिप्ट लिखी थी राइटिंग एसोसिएशन में आई थी मैं रजिस्टर कराने के लिए, और मुझे अंजुम जी वहाँ मिले थे लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे देखे कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई अच्छा रोल ही नहीं लिख रहा है, तो मैंने खुद लिखने शुरू कर दिए, उन्होंने कहा नहीं 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 आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, ये सिर्फ राइटर्स की जगह है, तो मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच में घूमने की, और अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगी, और उनका प्यार है कि उन्होंने काफ़ी सहाया मुझे, और आज यहाँ तक कि
यहाँ पहुँचा दिया जहाँ SWA मुझे मतलब एक अवार्ड से सम्मानित कर रहा है, इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती है, खुशी की। एनीवन इन पर्टिकुलर जिसको आप थैंक यू कहना चाहेंगे? मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, पर्टिकुलर तो कोई होता नहीं है, मुझे लगता है सबके मिलके ही एक चीज़ बनती है। और राइटिंग एसोसिएशन में इतने लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ज्यूरी ने ये चुना होगा, कुछ फिल्मों को चुना होगा, ऐसा नहीं है कि जो फिल्में चुनी गई हैं वही बेहतर बनी हैं बाकी फिल्में नहीं बनी हैं, बट हमें कुछ खास एक मेंशन देने होते हैं, तो मुझे चुना है इसके लिए तो मैं तहे दिल से पूरी ज्यूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, SWA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स के लिए इतना एक अलग से एक जश्न दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है कि वो जो मेन अवार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है बहुत जल्दी मतलब सिर्फ स्टार्स और एक्टर्स जो मेन रह जाते हैं या डायरेक्टर रह जाते हैं, उससे पहले के सारे अवार्ड्स बहुत ऐसे निकल जाते हैं, आपके दिमागों से निकल जाते हैं। एक स्पेशल मेंशन करना राइटर्स को, ये मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कुछ भी हम बनाएं उसकी जड़ जो है वो राइटिंग है, अगर राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ बना नहीं सकते, चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हों, बिना स्क्रिप्ट के तो स्टोरी बनती नहीं। तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अलग से मेंशन किया गया है और अलग से अवार्ड बनाया गया है राइटर्स के लिए, जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा राइटर्स की, मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। आज जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ तो इसलिए शायद सेटिस्फेक्शन कहीं और भी मिल लेती, मगर जो सिर्फ राइटर्स हैं और सिर्फ जो यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कमाल की बात है, उन्हें बहुत बड़ा प्रोत्साहन। पुनीश को अल्ला भाई के डायलॉग लिखना और मैं शुक्रगुजार हूँ जूरी मेंबर्स, SWA, प्रोडक्शन हाउस, चैनल, सभी की जिन्होंने मेरे काम को सराहा, मुझे इस लायक समझा कि मुझे अवार्ड। SWA हमारी अपनी बिरादरी है और ये बिल्कुल वैसे ही है कि बाहर दुनिया जहाँ में आपकी तारीफ हो रही है और घर वाले आपको खुश ना रहे हों, तो ये वैसे ही बिल्कुल है। तो जब आपके घर वाले आपको पहचानना शुरू करते हैं वहाँ सब हाँ आप नहीं पहुँचे हैं। और मैं आपने सवाल किया तो मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाऊँगी बात कर, ये जो अवार्ड शुरू हुए हैं SWA की तरफ से स्क्रीन राइटर्स के द्वारा स्क्रीन राइटर्स के लिए, मैं कहीं ना कहीं इसकी जड़ में अपना हाथ मानती हूँ। उसकी वजह बालिका वधू के टाइम पर मेरे पास एक अवार्ड फंक्शन से फ़ोन आया था ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने कहा था मैम अपना एड्रेस दे दीजिए, आपको बालिका वधू के बेस्ट ड्राइवर का अवार्ड मिल रहा है, आपकी ट्रॉफी हम घर पहुँचा दें। तो मैंने कहा भाई घर पर पहुँचाएंगे अभी तो अवार्ड फंक्शन होना, तो मैंने कहा हाँ मैम, लेकिन चैनल ने भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है तो हम टेक्निकल अवार्ड्स को शामिल नहीं करते, लगती बात। और मैंने कहा भैया सबके सामने आपके काम की सराहना हो, आपको पुरस्कार दिया जाए उसकी बात तो चलो बेटी है, अंधेरे में मतलब मैं ऐसा करना होगा तो मैं बाजार से खरीद के ट्रॉफी अपने घर पर सजाऊंगी। फिर मैंने उस बात की कंप्लेंट SWA में की, काफ़ी वो हल्ला मचा, लेटर गए यहाँ से चैनल से और ऑर्गेनाइजर से माफ़ीनामा आया, और मुझे याद है उस मीटिंग में लोगों ने उठाया ये सवाल, यार हम अपने अवार्ड्स को नहीं शुरू करते जिसमें राइटर्स को उनके हिस्से के उनके हक का पूरा पूरा सम्मान के लिए पूरी किस्त। तो अब हुआ ये तीसरा साल है और मुझे अवार्ड मिला है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बड़े बड़े आनंद का विषय है कि रेणुका जी को दो पुरस्कार मिले और वो भी उनकी डेब्यू में और राइटिंग के लिए। अभी तक एक अभिनेत्री के रूप में मैं इनको मतलब मैं तो इनको लेखक हूँ, अभिनेता हूँ, डायरेक्टर हूँ, हर रूप में पसंद करता हूँ, लेकिन दुनिया में अभी तक जो इनको अभिनेता के रूप में जानते थे अब उनके लेखक और पुरस्कृत लेखक के रूप में भी जानते, तो ये आनंद का विषय है इनकी फिल्म को बेस्ट स्टोरी और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। बोलिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज
आज जो प्रोग्राम हुआ है राइटर एसोसिएशन का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। पहली बार ऑफलाइन हुआ और जो लोगों का रिएक्शन आया और जितना अच्छा मुझे लगा, तो आगे ये बेटर ही होता जाएगा। हम इससे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे और ये राइटरों को एक कमाल का पावर देगा, कमाल की इज्जत देगा और उनकी शक्ति और बढ़ाएगा। मेरी शुभकामना सारे विनर्स को, ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट लिखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। उड़ू तो ऐसे के हुआ आसमान को हैरत, गिरू तो यूं कि दूर तक जमी दहल जाए। एज एस डब्ल्यू ए हमारी जिद है कि हमारा काम, हमारे काम करने के तरीके माने जाए, सराहे जाए, चाहे जाए और सम्मानित किए जाए। उसकी ये पहली ऑफलाइन कोशिश थी। टोटेलिटी तीसरा अवार्ड था, लेकिन ऑफलाइन पहली कोशिश थी और कामयाब कोशिश थी। हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते ईयर के साथ ये अवार्ड बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा और एक दिन आएगा कि इस अवार्ड को देखने के लिए, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए लोग लाइन में लग के खड़े। वाह, आप बताइए। बस ये अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, जिस तरह से हम चाह रहे थे उससे भी बेहतर तरीके से हुआ और अगली बार हम इससे बेहतर करेंगे। और सारे विनर्स को तो मुबारकबाद हुई हमारी तरफ से, जितने नॉमिनीज हैं उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज इतनी स्क्रिप्ट में छन के वो आए हैं और हमने बेस्ट चुना था। और जितने भी नॉमिनीज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में मैं अपनी टीम, जो ईसी की टीम है, हमारे एसडब्ल्यूए की टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए, इस अवार्ड के लिए रात दिन मेहनत की थी और आज उसका हमें बहुत अच्छा फल मिला। थैंक यू। वो मुझे अवार्ड मिला, मैं बहुत खुश हूँ और अवार्ड मिल के ना खुश होने वाली तो बात ही नहीं है। और सच में बहुत अच्छा लगा जब वो अवार्ड जावेद साहब के हाथ से मिला, जावेद अख्तर साहब के हाथ से। अब अच्छा, साथ में हमारे ये भी दानी जावेद साहब भी थे, जो इनका नाम भी जावेद अख्तर है, तो दो दो जावेद अख्तर मेरे दाएं बाएं थे और बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। ये वाकई इज्जत वाली बात थी कि जावेद अख्तर साहब के हाथ से अवार्ड मिला। मैंने सबके सामने ऑडियंस में बोल दिया कि जावेद साहब और शबाना जी का आना और हमारे साथ इतना समय बिताना, उन्होंने बहुत हमको इज्जत दी। इतने बड़े राइटर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, गॉड ब्लेस देम। उन्होंने राइटरों की इज्जत बढ़ाई है क्योंकि वो खुद राइटर हैं और खुद इज्जत करना चाहते हैं। वो सब कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। डेप्यूटेशन अवार्ड है, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड है, टेलीविजन में है, ओटी में है, एडॉप्टेशन का है, सारी रीत हमारे पास। पीआरओ आपको दे देगा और उसमें देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड दिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि ये अवार्ड सारे नॉमिनीज को कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है, लेकिन विनर्स चुनने का तरीका हमारा बड़ा अनोखा और बहुत कमाल है। और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें जवा साहब का अवार्ड चुनने में होता है, क्योंकि जवा साहब विद इन एसडब्ल्यूए हैं। वो अवार्ड जो मेरी बाद में ज्यूरी से बात हुई तो ये था, सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल गया है कि सबसे ज़्यादा उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैरिट पे अवार्ड वो है, लेकिन सवाल ये है कि वो एस डब्ल्यू ए का जनरल सेक्रेटरी भी है। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ ज्यूरी को जो इंस्ट्रक्शन थे और ज्यूरी ने उनको फॉलो किया कि मर्सी लेस में, अंजुम रजब अली साहब ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि मर्सी लेस भी चुना जाएगा और वो चुना है, 100% चुना जाए। एक बात
दूसरी बात हम लोग SWA जावेद साहब शबाना जी और थैंक यू हमारे जितने गेस्ट हैं उनके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं बेचारे एक आवाज़ पे सब थैंक यू वेरी मच थैंक यू आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू